आई डोंट नो हुण तुहानूं नज़र आ रहा कि नहीं आ रहा। थोड़ी देर पहले ना बर्फबारी शुरू हुई सी तो मैं वैदर फोरकास्ट देखी तो कुछ मिनटों वास्ते ही होनी सी स्नोफॉल, तो हुण भी हो रही है, धुप निकली हुई है, तो हवा दे विच ना जिहड़े हुंदे ने छोटे छोटे दाने जे स्नो दे वो जनाब वो डुड रहे ने। तुहानूं हुण बाहर दिखाउण लैके आया, हल्की हल्की धुप निकली हुई है, स्नो माड़ी मोटी पै गई है, तो ठंड हुण काफ़ी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम मुज़फ़्फ़र तेजा। उम्मीद है कि तुम सारे ठीक ठाक होंगे। अज 16 जनवरी 2023 है और नवें साल का मेरा पहला ब्लॉग आ। एक जी मैं खसूसन गल तुहानूं दसना चाहवांगा अज के ब्लॉग के बारे। अज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हाँ 4K 60 फ्रेम पर सैकेंड से। ये मैं कितना कर सक रहा सीगा क्योंकि जो मेरा कैनन का कैमरा है वो तो कर नहीं सकता। वो वास्ते अपडेट ये है कि मैं एक होर छोटा जहा कैमरा खरीदया है और ये कैपेबिलिटी मौजूद है। वीडियोज़ तो मैं 2-3 अपलोड कीतियां ने इस साल दे, लेकिन वो सारिया वीडियोज़ शूट हुई सी 2022 के। सो 2023 की अज मेरी पहली वीडियो आ। जो नवे साल की आप गल करते हैं तो उदों आप गल करते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन की। न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बहुत सारे ने किए होने, तुसीं भी किए होने, मैं भी किए हैं, लेकिन नवे साल के रेजोल्यूशन पर गल करो तो पहले आप फोकस करिए कि पिछले साल जो रेजोल्यूशन किया सीगा उहदे ते अमल किया आपां। क्योंकि जो तुसीं ऑब्जेक्टिव बनाने हो ना, गोल सैट करते हो, वो गोल ना स्मार्ट होना चाहिए। SMART स्मार्ट इनू कहते हैं कि S फॉर स्पैसीफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R रेलिवेंट और T होंदा है टाइमली। स्पैसीफिक वो स्पैसीफिक होवे, तुसीं एग्जैक्टली दस सको कि तुसीं अचीव की करना चाह रहे हो। फिर अचीवेबल वो अचीवेबल होवे, एवें ना होवे कि जनाब मैं आसमान तो तारे तोड़ के लियाने हैं, वो अचीवेबल नहीं हैगा। सो अचीवेबल होना चाहिए है। SM मेजरेबल, S स्पैसीफिक, मेजरेबल कि तुसीं जिहड़ा भी काम करना है ना उन्होंने मेजर किया जा सके कि वह कंप्लीट हो गया। अगर नहीं कंप्लीट होया तो कितना कंप्लीट होया है, 10%, 20%, 30%, उन्होंने मेजर किया जा सके। SMA अचीवेबल, अचीवेबल होवे, चंद तो तारे तोड़ के लियाना अचीवेबल नहीं हैगा। SMAR रेलिवेंट कि तुसीं अपने डिवेलपमेंट दे नाल रेलिवेंट होवे हो, एवें ना होवे कि मैं अकाउंटेंट हाँ तो मैं जनाब न्यूरो सर्जरी सीखनी है, ठीक है, वो रेलिवेंट नहीं हैगा। फिर टाइमली एक टाइम फ्रेम तुसीं सैट करना है कि आज तुसीं ऑब्जेक्टिव कितनी देर सैट करना है, कितनी देर अचीव करना है। सो ये गल्लां हुंदियां ने जिन्होंने कंसीडर करना पैंदा है गोल सैट करने तो पहले। सो नवे साल का जो गोल सैट करोगे मेक श्योर करियो कि इन्हां गाइडलाइंस दे विच होण। ते पिछले साल वाले सीगे जिहड़े उन्होंने बह के सोचो कि तुसीं अचीव कीते, अगर नहीं कीते तो किहड़े-किहड़े फैक्टर सीगे जिहड़े उन्होंने अचीव करने के राह च हायल होए दुश्वारियां उन्होंने पेश कीतियां। मैं बहुत सारे अपने गोल सैट किए थे पिछले साल। इन्हां दे विचों एक सीगा कि मैं रीडिंग कराया करनी है। मैं देसी हाँ अलहमदुलिल्लाह, तो रीडिंग वाली सानू कोई आदत ही नहीं हैगी, लेकिन मैं पिछले साल बुक्स पढ़निया शुरू कीतियां। 3 मैं बुक्स लाइया, एक सीगी रिच डैड पूअर डैड, ब्यूटीफुल बुक, अनफॉर्चुनेटली मैं उन्हें फिनिश नहीं कर सकिया, हाफ वे थ्रू हाँ। तो दूसरी बुक सीगी कन्फेशनस ऑफ एन इकनॉमिक हिटमैन, वो भी मैं जनाब अधिक पढ़ी है, कंप्लीट नहीं कर सकिया। तो फिर एक मैं लाई सी अलामा इकबाल की पोइट्री वाली, वो बस ना विच ही है, कदे कदे मूड बने कुछ पढ़न का तो पढ़ लेना। तो अचीवमेंट सारा अपना टारगेट नहीं कर सकिया क्योंकि मैं लिखा सीगा कि 1-2 ना बुक्स मैं पढ़निया ने। सो अगर मैं ओवरऑल देखा तो शायद मैं एक बुक पढ़ ही लई है, लेकिन क्योंकि मुख्तलिफ बुक्स मैं शुरू करनी सीगियां ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए मैं नहीं उन्होंने फिनिश कर सकिया। सो रूल ये है कि एक काम पढ़ो उन्होंने फिनिश करो। हुण मैं अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सकिया तो मैं उस वीकनेस नूं ओवरकम करना है इस साल। सो लैट्स मूव फॉरवर्ड और तुहानूं मैं दसदा हाँ, अनबॉक्स करदा हाँ बेसिकली ओह ब्यूटीफुल कैमरा जिहड़ा मैं नवा ले आया, तुहाडे नाल शेयर करदा हाँ उन्होंने क्यों लैना पिया और ओहदियां की स्पेसिफिकेशनस ने, किहड़ा किहड़ा जादू टोना यह कैमरा कर सकता है। सो लैट्स गो एंड फाइंड आउट। सो लो जी हुण मैं तुहानूं दसदा कि मैं किहड़ा कैमरा ले आया। वो मैं कैमरा लैन की जरूरत क्यों पेश आई, तो एज यू नो मैं बहुत दफ़ा मैंशन कर चुका मैं वीडियोज़ बनाना है अपने कैनन M50 के उत्ते। ये कैमरा जिहड़ा है बहुत अच्छा कैमरा है, मिरर की एंट्री लैवल फिल्म मेकर यूट्यूबर वास्ते एह्दे च जेह्ड़ा बिगैस्ट फ्लॉ है ना मैं फील किया ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर जो मैं यूज़ कर रहा सीगा वह यह है कि यह वैदर प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है। सो बहुत सारे इंसीडेंट्स ऐसे हुए हैं जिहड़े मैं कुछ रिकॉर्ड करना चाहता सीगा लेकिन वैदर मैं इजाज़त नहीं दे सकता सीगा, इसलिए मैं एक कैमरा बाहर नहीं लैके जा सकिया और मैं वह फुटेज कैप्चर नहीं कर सकिया। इन्हां वजूहात के बिना तो मैं सोचा कि यार मैं ऐसा कैमरा लवां जिहड़ा मैं ना बाहर भी लैके जा सकां, मींह कणी स्नो पै रही होवे ते इट शुड बी ओके। जो प्रोफेशनल कैमराज ने सोनी के कैनन के वो वैदर प्रूफ होंगे ने, वाटर प्रूफ होंगे ने, उन्होंने जो लेंसेज होंगे ने वो भी वाटर प्रूफ होंगे ने, बट द प्रॉब्लम मीनस वो बहुत महंगे होंगे ने, 5-5, 6-6 हज़ार के। तो वो जनाब ऑफ द टेबल हो गया। फिर मैं सोचा कि मैं आईफोन अपना अपग्रेड कर लेना। मेरे को एट द मोमेंट iPhone X आ जो 2018 में मैं लिया, 12 मेगापिक्सल का कैमरा आ, ओके आ, लेकिन उहदे च भी मैमरी नहीं सी हैगी तो 100 मसले मसायल से। तो फिर मैं सोचा यार अपना आईफोन अपग्रेड कर लेना। आईफोन जो उन्होंने हम 14 दिता है, 14 प्रो, वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, बड़ा अच्छा कैमरा है। से फिर मेरे जेहन च आया मैं क्या यार आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी। वो अराउंड बनते हैं जोड़ा मैं पसंद सीगा, मैं लेना चाह रहा सीगा आईफोन, वो तकरीबन को 1300 पाउंड का बनता सीगा। मैं कहा नहीं यार मैं ना कोई चीप एंड चेयरफुल काम करना जिद ना मेरा ये मसला भी हल हो जाए तो मेरा बैंक भी खाली ना हो। फिर जनाब मेरा दिमाग गया एक्शन कैमराज की तरफ। एक्शन कैमराज ना बड़े छोटे होंदे ने, मतलब फीचर्स दे नाल जैम्ड पैक होंदे ने और कीमत के हवाले दे नाल भी ना टू मच नहीं होंदे। एक्शन कैमरा जो आप गल करते हैं तो उदों GoPro साड़ी नज़र च आता है, लेकिन ना हुण GoPro अपना ना एक किस्म के मार्केट का जो डोमीनेशन सी वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो ग्रिप लूज़ हो रही है। उहदे ते हुण DJI ने कैमरा लॉन्च किए ने, एक होर कंपनियां उन्हें किए ने, तो काफ़ी बिग कंपीटिशन दे रहे हैं। तो मैं पहले सोचा कि GoPro लै लें, GoPro का आ रहा GoPro 11 Hero Black ऐसा कुछ करके आ, लेकिन ना बड़ा अच्छा कैमरा है, बड़ी अच्छी फुटेज बनाता है, लेकिन उसने कुछ मैं प्रॉब्लम देखे ने कि जैम हो जाता है, स्टक हो जाता है, हेल्ड हो जाता है जो तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ऐसा के मैं मसाइल ना मैं सुनने को मिले जिस वजह तो मैं सोचा मैं कि नहीं यार मैं यह जे मसले नहीं डील कर सकता। DJI ने कैमरा लॉन्च किया, ओदी जिहड़ी फुटेज है वो कहते हैं कि कंपैरेटिवली GoPro तो घट है, इन्नी अच्छी नहीं हैगी। बहुत ही क्रिटिकल किस्म का एग्जामिनेशन करना ना फिर ही तुहानूं पता लगेगा कि इन्हां दे विच फर्क है, अदरवाइज ना बहुत अच्छे कैमरेज ने। सो इस सारे एनालिसिस तो गुजर के मैं जनाब डिसाइड किया कि मैं DJI का एक्शन कैमरा लेना है। तो जनाब मैं लिया DJI का DJI Osmo Action 3। ये जनाब कैमरा आ, ये कैमरा उदों ही लॉन्च होया सीगा जिदों GoPro वालियां ने GoPro 11 Hero Black लॉन्च किया सीगा। ये दोनों सेम डे लॉन्च होए सीगे। ये जिहड़ा पैक मैं ले आया ये बेसिकली इनू कहंदे आ Osmo Action 3 एडवेंचर पैक। सो ये एडवेंचर पैक की है, ये कुछ चीज़ा ने जिहड़ियां नॉर्मल Action 3 दे नाल नहीं आउंदियां। सो इनू अनबॉक्स करदे तुहानूं मैं दसदा है ये जनाब किहड़ियां चीज़ा ने। तुसीं बॉक्स ओपन करदे हो तो जनाब ऐदा ब्यूटीफुल किस्म की पैकिंग थोड़े सामने आती है। असीं पहले चीज़ पिक कर लेने क्योंकि दिस इज़ मेन इवेंट। ये अपना हैगा एक्शन कैमरा। हुण इनू पिक करके ना आई कैन फील कि यार ये साइज़ दे विच बड़ा छोटू जिहा लग रहा लेकिन इट्स हैवी। इस तो पहले भी एक दफ़ा ना मैं एक्शन कैमरा बाय किया सीगा, वो भी ऐसे दुखों के जनाब को मैं वाटर दे विच मींह कणी दे विच चीज़ां रिकॉर्ड कर सकां आ वाला सीगा। ते ओहदी निस्बत अगर तुसीं देखो साइज़ तकरीबन उन्ना ही आ। मैं लिया सीगा कोई 50 पाउंड का, तो आ ज़ाहरा क्वाइट एक्सपेंसिव आ। तो ये कैमरा जनाब 4K आई थिंक 120 फ्रेम पर सैकेंड तक रिकॉर्ड करता है। तो अगर तुम थले नूं आओ 1080p तो 1080p तो 240 फ्रेम्स रिकॉर्ड करता है। तो जो बाकी फ्रेम्स होंगे ने लाइक 120 तो थले आ जो 60, 30, 24 वो सारिया चीज़ा कवर करता है। बड़ा ही जैम्ड पैक कैमरा है। एक मतलब बिग चीज़ ये है जी बॉक्स के विचों निकलती है। सैकेंड चीज़ आया हम ये जो एडवेंचर पैक की गल की है ना, एडवेंचर पैक ये चीज़ा होंगे ने जो नॉर्मल लवोंगे वो नहीं होगी। आ एक चीज़ है ये की है बेसिकली ये 3 एक्सट्रा बैटरीज ने। नॉर्मली तुम एक्शन कैमरा या कोई भी कैमरा लैंदे हो तो हार्डली तो ना एक बैटरी दे नाल मिलती है। आ थोड़े नाल ना Action 3 दे नाल तुहानूं आ बैटरी केस मिलेगा। ये बेसिकली 3 बैटरियां ने। तो जो केस आ इट सैल्फ चार्जर है। तो मतलब तुसीं जो बैटरियां चार्ज करना है ना, बैटरियां इस डब्बे दे विच पा के चार्ज करना तो ये डब्बा इट सेल्फ भी बैटरी है। तुम मतलब यानी जो चार्ज करोगे कंप्लीटली तुम हम आउट एंड अबाउट बाहर गए हो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हो थोड़ी एक बैटरी मुक्की तुम जो बैटरी कड़ के कैमरे ये पानी है ना तो इस बॉक्स ने उस बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देना है। तो मतलब ना काफ़ी कन्वीनियंट है। हम ये चीज़ है जी एडवेंचर पैक के नाल आई है। फिर ओबवियसली एक USB-C केबल जी कि मतलब तकरीबन हर चीज़ के नाल मिलती है एक चार्जिंग केबल। फिर दूसरा आ एक डब्बा है। इस डब्बे के ना काफ़ी सारिया चीज़ा ने इस डब्बे मैं बाद चो आना। इस तो इलावा जी एक्शन एडवेंचर पैक है ना वो जी होर एक चीज़ आती है वो हैगी है डंडा जिहा सैल्फी स्टिक कह लो या जो भी तुसीं कहना है क्योंकि जो तुसीं कैमरा एक्शन कैमरा लैके जा रहे हो ना तुसीं अपना सराउंडिंग करनी होंदियां ने तो ये तुसीं अगे अपना कैमरा ला के तो तुसीं बहुत कुछ कर सकते हो। इहनूं तुसीं फड़ के देखो ना इट्स स्टडी यार सॉलिड चीज़ बनी हुई है। इहनूं तुसीं इदां हुण लम्या करो तो बहुत ही ज़्यादा लम्मी सौगात बन जाती है। तो मतलब इन्ना कुछ करके भी ना इट्स सॉलिड यार मतलब यू फील कि जनाब बड़ी अच्छी मटीरियल की चीज़ बनी हुई है। सो इस तो बाद आप आने इस बॉक्स के आ वाले माउंट्स ने दो आई थिंक आ वाला जनाब थंब स्क्रू आ जिहड़ा तुसीं सेल्फी स्टिक के उत्ते ला के किसी भी स्टैंड के उत्ते ला के उन्होंने स्क्रू करना है। फिर आ एक माउंट है ये तुसीं इधरों स्टिक करके किसी जगह पर चिपका के मुस्तकिल तौर पर। तो फिर वड्डी जिहड़ी मैंशनेबल चीज़ है ना वो हैगी है ए वाली ये ना एक केस है जिहड़ा कि थोड़े एक्शन कैमरा नूं उहदी जिहड़ियां साइडां ने ना वो सिक्योर करता है। एक किस्म का फ्रेम जिहा है मतलब ये ऐसा केस नहीं हैगा जिहड़ा तुसीं फुली उहदे उत्ते चढ़ा लवो तो जनाब कैमरा थोड़ा चारों पासों सिक्योर हो जाए। ये बेसिकली ना कैमरा तुसीं इहदे विच पाओगे ना तो इदां साइडां जिहड़ियां ने कैमरे दियां वो सिक्योर हो जाएंगियां। एक जिहड़ी बहुत वड्डी खूबी है ना इहदी ये वाटरप्रूफ कैमरा है। वाटरप्रूफ का मतलब यह है कि तुसीं अगर स्विमिंग पूल भी उन्होंने लैके छाल मार दो ना तो 16 मीटर डीप भी चले जाओ तो यह कैमरा रजिस्ट करेगा। पहले मैं सोचता सीगा कि 16 मीटर तो उस तो ज़्यादा इदा मीटर क्यों दसा जाता क्योंकि अगर कोई चीज़ वाटर रेजिस्टेंट आ वाटरप्रूफ आ तो वाटरप्रूफ होनी चाहिए। मकसद दरअसल यह होंगे कि जिदा जिदा असीं डीप जाते रहना पानी के पानी का एक प्रैशर होंदा है चीज़ों स्क्विश करन दा दबाउण दा वो वधदा रहिंदा है। सो इस वास्ते कहा जाता है कि ये जो कैमरे ने एक सर्टन डेप्थ तक वाटरप्रूफ ने। हुण आ जिहड़ा कैमरा विदाउट एनी केसिंग 16 मीटर डीप तुसीं चले जाओ पानी दे विच ते इहनूं कुछ नहीं होएगा। अगर तुसीं इहदे उत्ते इक प्रोटेक्टिव केस जिहड़ा किसी भी कैमरे दे नाल मिल जाता है वो तुसीं ला लो तो फिर यह 60 मीटर डीप तुसीं जा सकते हो तो यह कैमरा ठीक रहेगा। उस तो इलावा अगर तुम स्टेबलाइजेशन की गल करो तो स्टेबलाइजेशन ऐसी चीज़ है जी एक्शन कैमरे के विच बहुत जरूरी होनी चाहिए है। सो इन्होंने उस डिजिटल स्टेबलाइजेशन का नाम रखा है रॉक स्टैडी। सो मुख्तलिफ किस्म दियां ने रॉक स्टैडी है जी मतलब बेसिक लैवल की है फिर रॉक स्टैडी प्लस आ फिर रॉक स्टैडी 3.0 आ तो कोई होर भी है EBIS। एक हैगी होराइजन बैलेंसिंग वो होंगे कि तुम होराइजन बैलेंसिंग अगर एक्टिव की हुई है ना तो कैमरे तुम इदा इदा करी जाओ थोड़ी वीडियो जी पिछे होराइजन जो उन्हें सैट किया है वो ही रहेगी। कैमरा इधर उधर होंदा रहा डजेंट मैटर थोड़ी वीडियो में कुछ नहीं होएगा। सो ये जनाब सारिया चीज़ा ने जिहड़ियां मैं देख के उन्होंने तो इंप्रैस हो के ये जनाब हम मैं कैमरा लै लिया तो इंशाअल्लाह कोशिश करांगा कि हुण मींह कणी दे विच अगर बाहर जाना पवे बाहर जा कोई ब्लॉग कोई वीडियो या कुछ भी बनाना पवे सानू किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। सो अगर जनाब आज की वीडियो तुहानू पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट और अगर तुसीं चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया हाले तक तो प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच। तुहाडे नाल मुलाकात होई अगली वीडियो दे विच। उदों तक अल्लाह हाफिज़।